मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और कल तक इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन में इंटेंसिफाई होने का चांसेस है। फिर फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड ही रहेगा और 10 तारीख तक वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ हमारा आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट सी एरिया में रहेगा, बट हमारा आंध्र प्रदेश उड़ीसा का ऑफ ऑफ मीन्स दूर में, कोस्ट से दूर में वो रहेगा आपका 10 तक। फिर उसका बाद रिकार्व होने का चांसेस है सिस्टम का ईस्ट हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वर्ड, फिर रिकार्व होकर के हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का तरफ आएगा। ठीक है, ये है सिस्टम का फोरकास्ट। अभी इसका हमारा रिगार्डिंग जो वेदर है, वेदर 10 तारीख इवनिंग से रेनफॉल एक्टिविटी मीन्स हमारा कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। इंटीरियर में एक दो जगह में बारिश जैसा नॉर्मल होता है उसी तरह से है। कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा और हमारा टेंथ इवनिंग से बारिश मेनली होने का चांसेस है और हैवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है गजपति गंजाम पुरी में टेंथ में। और इलेवेंथ का जो है, इलेवेंथ में बारिश थोड़ा नॉर्थवर्ड एक्सटेंड होने का चांसेस है। इसमें हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में ही कोस्टल विषय में रहेगा और हैवी रेनफॉल गंजाम पुरी खुर्दा कटक एंड जगत सिंहपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हो सकता है। और इसका प्रभाव में हमारा विंड का जो ये है साइक्लोन का हाइस्ट जो साइक्लोन सेंटर वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अब ए में टेंथ में जब रहेंगे उसमें स्पीड हमारा रहेगा 80 to 90 गस्टिंग टू 100 अराउंड द साइक्लोन सेंटर। और उसका उसका बाद फिर इलेवेंथ में हमारा 70 to 80 गस्टिंग टू 90 प्रेडिक्ट किया गया है। और अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट में इलेवेंथ से स्क्वाली वेदर स्टार्ट होने का चांसेस है। उसमें 40 to 50 kmph तक विंड गास्टिंग में 60 तक अलोंग उड़ीसा कोस्ट ऑफ उड़ीसा अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट में होने का चांसेस है। ये है आपका, इसीलिए हमारा फिशरमैन वार्निंग है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है फिशरमैन वार्निंग ही है। फिशरमैन को 9th से ही सेंट्रल बे ऑफ बंगाल डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है। 10th में नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में और 11th में हम लोग बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना किया। और जो भी अभी डीप सी एरिया में है 10th मॉर्निंग तक वापस आने के लिए कहा गया है। यही है सिस्टम रिगार्डिंग। और अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट अभी हमारा जो है आज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी जो हमारा प्री मॉनसून होता है अभी अगला 24 आवर्स में भी रहेगा और उसके बाद आइसोलेटेड वे में एक दो जगह करके रेनफॉल थंडरस्टॉर्म का साथ रहेगा अगला 9 तारीख तक। नहीं अभी तो आपका बहुत देर है, तो अभी हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ उड़ीसा कोस्ट बोल रहे हैं, मीन्स ऑफ उड़ीसा कोस्ट आपका जो आएगा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर रिकार्व होने का बाद, तो इसमें डिस्टेंस अभी नहीं कहा जाता है, इसमें आपका एरिया ही कहा जाता है। ठीक है सर, ये जो 4 to 6 आवर तक ये डिप्रेशन में रहेगा ये चाहिए या हाँ 4 to 6 आवर तक डिप्रेशन में आ जाएगा? हाँ, अभी हमारा मॉर्निंग 8:30 ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में था ना, अभी आपका हमारा 11:30 ऑब्जर्वेशन होता है, फिर 2:30 ऑब्जर्वेशन होता है, ये एनालिसिस होने के बाद आपको इवनिंग तक फिर इवनिंग बुलेटिन में शायद हमारा डिप्रेशन हो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोन होने से आप लोगों को सबका तो पता है, ठीक है, नाम जो ऑलरेडी है वो दिया जाएगा, एक एक करके सीरियल हमारा 169 नाम पर सीरियल है। ठीक है, नहीं नाम अभी तो साइक्लोन का नहीं दिया जाता है। ठीक है, साइक्लोन होने के बाद ही तब नाम दिया जाता है। नॉर्मली हमारा ऐसा तो ये अभी इस सिस्टम के लिए नहीं बोला गया है, बट नॉर्मली रिकवर होने का टाइम में थोड़ा सा ये होता है, बट अभी इस सिस्टम के लिए उस तरह से फोरकास्ट अभी नहीं दिया गया है। अभी मॉनिटरिंग में है, क्लोज सर्विलेंस में है, जैसा जैसा होगा अपडेट दिया जाएगा। रिकब नॉर्मली सिस्टम जो होता है हमारा गाइडेड होता है अपर एयर विंड का, ठीक है, प्लस हमारा प्रेशर पैटर्न का, तो वो जो पैटर्न है उसमें से हमारा और भी फैक्टर्स है, जैसे हमारा सी सरफेस टेम्परेचर किधर ज़्यादा है, डिफरेंट लेयर में विंड क्या है, ये इसको एनालिसिस करके हम लोग ये करते हैं जो किधर सिस्टम जाएगा उसकी तरह से ट्रैक फिक्स्ड होता है। ठीक है,
कोस्टल एरिया में हमने बोला आपका इलेवेंथ में हमारा स्क्वाली विंड स्पीड होने का चांसेस है 40 to 50 गस्टिंग टू 60, ठीक है, इलेवेंथ में। हाँ, हेवी रेनफॉल का जैसा हमने बोला आपका टेंथ में और इलेवेंथ में, अभी अगला 5 दिन में टेंथ और इलेवेंथ आ रहा है। टेंथ में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी दिया है, बट ये गजपति गंजाम पुड़ी और इलेवेंथ का गजपति सरकार के हमारा गंजाम पुड़ी जगत सिंहपुर खुर्दा एंड कटक ये सब डिस्ट्रिक्ट में है। कोस्टल विशाखा में मेनली अलोंग द कोस्ट लाइन हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। तो उड़ीसा के लिए इम्पोर्टेंट है कौन सी दिन ज्यादा साइक्लोन का इंपैक्ट देखने को मिलेगा? अभी तो 10th से कमेंस होगा, एटलीस्ट 10th से 12th तक तो इसका रहेगा ही, ठीक है। आपण शुणुले भुवनेश्वर आंचलिक पापाग केन्द्र पक्ष जहां सद्य सूचना आसी पहुंचुची जहाँ एचआर विश्वास पापाग निर्देशक जहां सूचना देते जे विशेषकर बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे रही रिकर्व कर संभावना जहां प्रेडिक्शन कर वर्तमान समय जहाँ आंचलिक पापाग केन्द्र निर्देशक सूचना देते जे 10 तारीख रु राज्य विशेषकर उपकूलवर्ती जिले में वर्षा संभावना रही प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे एवं विशेषकर वर्षा समय पवन रेग 40 to 45 किलोमीटर मध्य रही पारे 10 तारीख रु वर्षा आरंभ हो विशेषकर जिला गुड़िक मध्य रही आपड़ जदि देखिए गंजाम गजपति पुरी ए सबू जिला रही 10 तारीख में सबू जिले में प्रबल वर्षा हो 11 तारीख में जहाँ रही गंजाम पुरी कटक खोर्धा जगत सिंहपुर सबू जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही जो साइक्लोन प्रभाव विशेषकर 10 तारीख रु 12 तारीख पर्यंत रही प्रभाव जो राज्य में वर्षा संभावना रही विशेषकर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक प्रबल वर्षा होती 9 तारीख रु मत्स्यजीवी मान समुद्र को जवाक बारण कर 10 तारीख रु राज्य में वर्षा आरंभ हो विशेषकर ये वर्षा 12 तारीख पर्यंत जारी रो बात्या कथा कहला ये रिकर्व करें जहाँ संभावना बर्तमान समय जहाँ आकलन कर प्रभाव पड़े ना ओडिशा उपरे।